किसी भी बिल में घुस जा, अपन तेरे को उधर से ढूंढ के निकालेगा। अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे थालापति विजय की तमिल फिल्म लियो के अभी तक के संडे टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में। दोस्तों बात करेंगे थालापति विजय की तमिल फिल्म लियो की, तो फिल्म लियो को 19 अक्टूबर को सिनेमा घरों में बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा और रिलीज को लेकर के फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। लियो के रिलीज में अब कुछ ही दिन बचे हैं और अब तक करोड़ों में टिकट बुक हो चुके हैं। वहीं फिल्म को लेकर के एडवांस बुकिंग का डाटा भी सामने आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म लियो का एडवांस बुकिंग फ्राइडे यानी 13 अक्टूबर को एडवांस बुकिंग शुरू हुआ और फिल्म ने अपने पहले दिन ही 446 तमिल शोज के साथ 64,229 टिकट अपने पहले दिन ही बुक कर लिए थे, जिससे फिल्म ने अपने पहले दिन 1.20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। वहीं दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म लियो को चेन्नई में बेहतरीन रेस्पॉन्स देखने को मिला है। फिल्म के जहां अपने पहले दिन ही एडवांस बुकिंग के शानदार रेस्पॉन्स को देखते हुए फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है। फिल्म लियो अपने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से फिल्म जेलर, PS1, बीस्ट, थुनेवू एंड वरिसु से ज्यादा कमाई करने वाली है। फिल्म लियो 15 अक्टूबर यानी संडे तक टोटल 40.8 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग ग्रॉस कलेक्शंस कर चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म अपने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई करने वाली है। वहीं दोस्तों फिल्म के बारे में आप सभी को बता दूं तो फिल्म लियो से संजय दत्त तमिल सिनेमा में पहली बार डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त विलेन की भूमिका में है। फिल्म लियो को लोकेश कनकराज डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों फिल्म को तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल फिल्म लियो का अभी तक का टोटल एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ हो रही है। दोस्तों फिल्म लियो अपने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 39 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म जवान की, तो फिल्म जवान फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अभी भी अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। फिल्म के देखते देखते बॉक्स ऑफिस पर 39 डेज पूरे हो चुके हैं और फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 39 के अंदर 2 करोड़ की नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म जवान का फ्रॉम डे 39 तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 635.74 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 1,135 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और फिल्म बहुत जल्द अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,150 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है। फिल्म जवान को 300 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कोस्ट को मिलाकर। फिलहाल फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर अनस्टॉपेबल है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म मिशन रानीगंज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म मिशन रानीगंज के सेकंड संडे यानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर 2.50 करोड़ की नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म मिशन रानीगंज का फ्रॉम डे 10 तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 27.68 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 35 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। दोस्तों फिल्म मिशन रानीगंज को 55 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म मिशन रानीगंज को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 की, तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के अंदर 2.50 करोड़ की नेट कमाई हुई है। इसी के साथ फिल्म फुकरे 3 का फ्रॉम डे 18 तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 90.84 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है और फिल्म इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े के नजदीक है। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शंस कर रही है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने अभी तक मिस किया है तो आप एक 2023 की कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेकर जो का हाल फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़ा शुक्रिया।